स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में तो दोस्तों हमने यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे जो कि डेली क्लास ये होती है रात साढ़े आठ बजे ठीक है रात साढ़े आठ बजे होती है और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग चैनल से जुड़ सकते हैं और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं चाहे आप बी की तैयारी कर रहे हों चाहे एस की तैयारी एस एस पुलिस किसी भी तैयारी कर रहे हैं ठीक है और किसी भी स्टेट से ठीक है तो चलते स्टार्ट करते हैं गुड इवनिंग गुड इवनिंग नमस्कार जितने लोग जुड़ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग चलिए जय हिंद जय भीम चलो स्टार्ट करें चलिए सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग यहाँ पर टाइम से आ जाएं आप लोग काफ़ी लोग बाद में आते हैं क्लास जब ख़त्म होने वाली होती है चलो गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग चलो चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका पचास दिया गया है आई प्रत्यय किस शब्द में है चलिए जवाब दीजिए आई प्रत्यय किस शब्द सब, किस शब्द में आपका जुड़ा हुआ है टिकाऊ खड़ाऊ खिलाई या नाई तो यहाँ पर आपको पता है कि ना ही तो ए होगा और ना ही तो आपका बी होगा है ना यहाँ पर बनेगा क्या या तो आपका सी बनेगा या तो आपका यहाँ पर बनेगा कौन सा डी अब डी वाले को हम लोग अलग तो कर नहीं सकते हैं है ना क्योंकि एक मूल शब्द भी होना चाहिए इस कारण से ये भी नहीं होगा तो आपका जवाब यहाँ पर सी नंबर लगभग सभी का जवाब बिल्कुल हंड्रेड परसेंट यहाँ पर राइट है सी नंबर आपका हो जाएगा खिलाई ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन दिया है सम उपसर्ग किस शब्द समूह में है सम उपसर्ग किस शब्द समूह में है सुचारू सुघड़ सज्जन सदगुण स्वदेश स्वराज्य संस्कार या संचय चलिए यहाँ पर इक्यावन नंबर में काफी लोगों के जवाब यहाँ पर आ रहे हैं बहुत ही फास्ट आ रहे हैं देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ गया है ऑप्शन आपका डी हो जाएगा ये बनेगा संस्कार और संचय में यहाँ पर सम उपसर्ग आपका समूह है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ने आपसे दिया है जहाँ अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है चलिए बताइए जहाँ अर्थ की भिन्नता के साथ मतलब अर्थ क्या हो भिन्न हो अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है वहाँ पर जो अलंकार होता है कौन सा होता है यहाँ पर बावन नंबर में चलिए यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पर दे जहाँ अर्थ की भिन्नता हो जैसे हमने यहाँ पर आपको बता दिया जैसे आपका दिया है कनक कनक है ना तो इसमें एक कनक का अर्थ अलग होगा एक अलग आपका होगा है ना तो इसका मतलब है कि जो बावन का ऑप्शन बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा यमक अलंकार होता है ये परिभाषा जो आपकी लिखी गई है ये यमक अलंकार की परिभाषा लिखी गई है याद रखिएगा जहाँ अर्थ की भिन्नता के साथ वर्डों या शब्दों की आवृत्ति होती है वहां पर यमक अलंकार होता है क्लियर हुआ इतना पॉइंट सभी को क्लियर है चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को और क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से शुद्ध वर्तनी पहचानिए शुद्ध वर्तनी यहां पर पहचानना है यहां पर दिया है प्रज्वलित दिया है प्रज्वलित अच्छा उल्लेख दिया गया है अच्छा अशुद्ध दिया है माफ करिए पर अशुद्ध दिया है क्योंकि हमें तो लग रहा है कि प्रज्जलित सही है उल्लेख भी सही है इसका मतलब है ये आपका अशुद्ध पूछा गया है जब ये सही है ये सही है और देखो जल्लाद भी सही है मतलब ब्रज भाषा जो आपका दिया है ये अशुद्ध है आपका है ना यहाँ पर अशुद्ध पूछा गया था और ब्रज भाषा कैसे सही लिखा जाएगा तो ये ब्राह्मे इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं ये वाला रा उड़ेगा ठीक है ना क्लियर हुआ ना ये जो आपके रिली है रिली ये आपका योजन नहीं होता है ठीक है चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कह रहा है अपनी अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का अर्थ लिखिए अपनी अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का सही अर्थ बताना है चौवन नंबर में लॉक करिए जल्दी से चलिए गुड इवनिंग सभी को नमस्कार सभी को जय हिंद टाइम से आए करें भाई जितने लोग बाद में जुड़ रहे हैं लाइक शेयर भी कर दें लाइक शेयर भी कर दें और टाइम से आया करिए आपका टाइम जब फिक्स किया गया है तो आप अपने अनुसार टाइम से ही आए ठीक है चलिए गुड इवनिंग सब लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए जितने लोग जुड़े हैं देखो बहुत लोग लाइक भी नहीं किए हैं चलो चलिए तो यहाँ पर बताइए अपनी अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का अर्थ बताना है चलिए छप्पन नंबर चौवन नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा यहाँ पर होता है वह तो अपनी खिचड़ी अलग ही पकाता है क्या खाना पकाना सबके लिए खाना पकाना मिलकर ना रहना एक साथ मिलकर काम करना तो ऐसा तो आपका होगा नहीं है इसका मतलब है कि जो चौवन का जवाब है वो आपका क्या बनेगा यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब कह सकते हैं मिलकर ना रहना है ना मिलकर ना रहना ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दुष्परिणाम शब्द का संधविच्छेद बनेगा दुष्परिणाम शब्द का संविच्छेद क्या होता है चलिए यहाँ पर पचपन नंबर आपको जवाब देना है और हमने आपको विसर्ग संधि में बताया था कि जब ये आपका सा लगा हो ये वाला सा इसको हटाते हैं और विसर्ग लगा कर इसको जोड़ देते हैं और तोड़ना सीख लीजिए याद रखिएगा जब इसे तोड़ेंगे तो बनेगा दुधन परिणाम है ना क्या बनेगा दु धन परिणाम तो आपको यहाँ से पता चला गया कि ये विसर्ग संधि है क्लियर हुआ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है सुधन आगत विच्छेद के लिए संधि शब्द होगा सुधन आगत क्या बनेगा सभी का हंड्रेड परसेंट बिल्कुल सही जवाब आ रहा है बिल्कुल अच्छी तैयारी है यहाँ पर स्वागत होगा क्या हो जाएगा स्वागत हो जाएगा छप्पन नंबर में ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर ठीक है क्लियर हुआ इतना पॉइंट यह सही है अच्छा ये बताइए इसमें संधि कौन सी है स्वागत में जो संधि है वो आपकी कौन सी है? हमने आपको एक ट्रिक भी बताया था और पहचान करने के लिए बताया था कि आधा अक्षर चाहे वो आपका या हो वाह हो रा हो है ना यहाँ पर अगर कोई आधे अक्षर के साथ अगर जुड़ा होता है हमेशा क्या होती है आधी जो आपकी संधि होती है वो यण संधि होती है ना ये आधी होती याद रखिएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है अब यहाँ पर ये पूछिए समझिए कि जलना शब्द में यहाँ पर जल शब्द एक आपका अलग निकलेगा और ना यहाँ पर क्या निकल कर आएगा प्रत्यय इसका मतलब है कि यहाँ पर जो जवाब है वो ऑप्शन आपका बन जाएगा सी नंबर ना प्रत्यय से जुड़ा हुआ है ठीक है अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से विशेषण शब्द आपको पहचानना है विशेषण शब्द आपको पहचानना है अट्ठावन नंबर में विशेषण कौन सा बनेगा राम तो ये तो संज्ञा है लड़का भी है है दिया है ये सर्वनाम हो जाएगा लेकिन अच्छा अच्छा क्या होता है गुण होता है और गुण जो होता है गुणवाचक सर्वनाम में होता है इसका मतलब है गुणवाचक आपका विशेषण होता है तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर ये आपका अच्छा शब्द आपका विशेषण हो जाएगा क्लियर हुआ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्न में से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है निम्न में से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है चलिए यहाँ पर देखो दिया है क्रिया से बनी किससे क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है तो देखते हैं क्रिया क्या है आपकी कमाई लड़ाई पढ़ाई और आपकी भलाई तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब जो आपका आ रहा है कौन सा अच्छा तो देखो यहाँ पर जैसे कमाई है लड़ाई है पढ़ाई है और आपकी यहाँ पर भलाई है तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे भला अच्छा और थोड़ा प्रयास करिए और सभी लोग प्रयास करिए इसका जवाब क्या बनेगा चलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा तो कमाई कमाई में भी आपका भावाचक संज्ञा बन सकती है लड़ाई से आपकी होगी पढ़ाई जैसे पढ़ाई है भलाई तो यहाँ पर देखो जैसे भला शब्द आपको होता है भलाई कर दिया तो भाव हो गई लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन आप आपका सी होगा है ना यहाँ पर भावाचक संज्ञा आपकी नहीं बनेगी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया है तत्सम शब्द का चयन कीजिए तत्सम शब्द का चयन करना है चलिए हमने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको तत्सम शब्द आपको बता भी दिया है तो देखिए तत्सम शब्द आपके होते हैं जो शुद्ध संस्कृत के होते हैं और यहाँ पर साठ नंबर का जो जवाब बनेगा कौन सा बनेगा चलिए जीवा आ रहा है बिल्कुल सही है बिल्कुल हंड्रेड परसेंट आपका जवाब राइट आ गया है बी नंबर आपका जाएगा जीवा याद रखिए जीवा हमने बताया था जो इसे जीव होती है जीव क्या होता है ये तद्भाव होती है लेकिन जीवा शब्द जो बन जाता है ये क्या होता है तरसम बनता है क्लियर हुआ चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया है निम्नलिखित में से छः वाक्यों में से प्रथम व अंतिम आपकी निश्चित है शेष को उचित क्रम में आपको व्यवस्थित करना है मतलब कुल मिलाकर देखा जाए कि यहाँ पर जो एक आपके दिए गए हैं बिखरे हुए हैं है ना ये जो आपके दिए गए हैं या रा वा ये बिखरे हुए आपके हैं इनको एक ऐसे अरेंज करिए कि एक सेंटेंस बन जाए वो भी कैसा जिसका एक नियम या रूल आपका हो तो देखते हैं यहाँ पर पहला पॉइंट दिया है भारत विविधताओं वाला देश है है ना पहला तो ये स्थिर आपका होता है फिर यहाँ पर क्या करेंगे भारत विविधताओं वाला देश है यहाँ अनेक धर्म यहाँ पर अनेक यहाँ अनेक धर्म भाषाएं परस्पर परम्पराएँ पाई जाती हैं क्या पाई जाती हैं फिर भी फिर भी यहाँ पर बोलेंगे तीसरे नंबर फिर भी फिर भी आ, फिर भी राष्ट्र की विशेषता अनेकता में एकता है है ना वह भारत में ऐतिहासिक वह भारत में ऐतिहासिक यहाँ पर आपका ये फोर कुल मिला के देखा जाए यहाँ पर र शब्द आया था और र शब्द कहाँ पर है इसमें है और इसमें है और र के बाद यह आया है इसका मतलब ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा क्लियर हुआ समझ में उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको पूरी तरीके से अब आज आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं क्वेश्चन दिया है वचनामृत में समास क्या है वचनामृत में समास समाससे पूछा गया है वचनामृत में समास क्या बनेगा मतलब यहाँ पर जो होता है वचन रूपी अमृत क्या बोल सकते हैं वचन रूपी अमृत बोल सकते हैं यहाँ पर वचना वचन अमृत वचन अमृत रूपी वचन बोल सकते हैं ना अमृत रूपी वचन बोल सकते हैं इसका मतलब है यहाँ पर कर्मधारे शब्द है क्योंकि जहाँ पर रूपी शब्द लग जाए या के समान शब्द लग जाए के समान ठीक है और महा शब्द मिल जाए हमेशा कर्मधारे समासी लॉक कर देना है ऑप्शन आपका आपका बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं वाक्य पूछा गया है कैसा वाक्य स्वालम्बी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं तो ये बताइए कि यहाँ पर कोई ऐसा एक्स्ट्रा कोई चीज लगाया गया है या नहीं लगाया गया तो ऐसा कोई तो लगाया नहीं गया को दूसरे से संबंध रखता हो या इसमें कोई कंजेंसन हो ऐसा तो कुछ है नहीं है इसका मतलब ये साधारण वाक्य है कैसा है ऑप्शन आपका सी साधारण वाक्य हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विद्या धन उद्यम बिना कहो जुए पावे कौन बिना ढुलाए ना हिले जो पंखा कोपौन है ना इस पंक्ति में पूछा है छंद कौन सा है चलिए यहाँ पर छंद की गणना करना है और कौन सा छंद आपका बनेगा ये आपको देखना पड़ेगा तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका बनेगा कौन सा मतलब इसका अर्थ होता है कि जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना जरूरी है और प्रयास करे बिना विद्या एवं धन नहीं मिलता है उसे प्राप्त करने के लिए अभ्यास और श्रम आवश्यकता होती है है ना जिस प्रकार पंखे को हिला हिला बिना हवा मतलब कह सकते हैं जिस प्रकार पंखे को हिलाए बिना हवा नहीं निकलती है वैसे ही आपका ये भी होती है आपके जीवन बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलेगा है ना बिल्कुल सत्य बात है तो यहाँ पर देखिए मात्रा यहाँ पर आपका गिन लेना है यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है छोटी तो आपका एक मात्रा हो गया यहाँ पर डबल हो जाएगा सिंगल हो जाएगा सिंगल हो जाएगा है ना ये जो आपका है डबल आपका दिया गया है ये सिंगल, ये सिंगल ये सिंगल ये सिंगल ये सिंगल ये सिंगल ये सिंगल ये डबल देख लेते हैं दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह अच्छा ये ग्यारह आपका दिया गया है तो फिर यहाँ पर आपका दिया क्या होगा यहाँ पर अगर देखा जाए तो ग्यारह और तेरह है ना तो एक बार और देख लेते हैं यहाँ पर सिंगल है यहाँ पर आपका डबल दिया गया है है ना सिंगल डबल फिर यहाँ पर आपका सिंगल दिया गया है यहाँ पर डबल हो जाएगा यहाँ पर डबल हो जाएगा यहाँ पर डबल हो जाएगा यहाँ पर सिंगल चलिए इसको जो अकाउंट कर लेते हैं तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई मात्रा आपकी दिक्कत कर रही है है ना चलिए एक बार फिर से प्रयास करिए यहाँ पर देखो दिया है सिंगल है ना छोटी की मात्रा है तो सिंगल हो जाएगा और द है तो आपका डबल ये तीन हो गया चार पाँच छः सात आठ और नौ दस ग्यारह कोई ना कोई दिक्कत यहाँ पर है शायद कोई पॉइंट यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है चलो उसको नहीं छोड़ते हैं अगर ये नहीं आपको कवर कर रहा है तो बी वाले नंबर में देख लेते हैं है ना तीसरे वाले पंक्ति से आ जाएगा कि दोहा है या आपका छोटा है तो यहाँ पर देखो आपका सिंगल दिया है यहाँ पर डबल दिया गया है यहाँ पर सिंगल है है ना छोटाऊ की मात्रा है ये डबल हो जाएगा और यहाँ पर आपका डबल हो जाएगा ये डबल हो जाएगा ये सिंगल होगा ये डबल होगा दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह इसका मतलब है कि इसमें कोई ना कोई पॉइंट दिक्कत रहा है यहाँ पर तेरह है और याद रखिएगा पहले और तीसरे में अगर तेरह मात्राएँ है, होती हैं वहाँ पर क्या होता है दोहा होता है इसका मतलब है कि इसका जवाब बनेगा कौन सा ए नंबर याद रखिएगा मात्राएँ हैं हो सकता है गलती है ना लेकिन याद रखिएगा जब भी कभी आपको डाउट लगे तो आप यहाँ पर इसको चेक करिए नहीं चेक कर पा रहे हैं इससे नहीं निकल रहा है तो इसको कर सकते हैं और इसे नहीं कर रहे हैं तो इसमें तो आपको हंड्रेड मिल जाएगा क्योंकि हो सकता है कि पॉइंट में कुछ गलती भी हो है ना क्योंकि हम अपने मात्राओं के अनुसार ही चलेंगे रूल के अनुसार ही चलेंगे ठीक है तो इसको ऑप्शन निकल के आ गया कौन दोहा हो गया ठीक है क्लियर हुआ अगला क्वेश्चन दिया है गहरा का विपरीत शब्द आपको बताना है गहरा का भी क्या होता है और कहीं पर गहरा है भाई अगर कहीं पर जाते हो बोलते बहुत गहरा है इसका मतलब है कि आपको क्या जरूरत है उथला जरूरत है मतलब जहाँ पर पानी कम हो ना इसका मतलब उसे बोलते क्या उथला बोल देते हैं ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया है पेड़ से पत्ते गिरते हैं वाक्य में कारक की व्यक्ति बताना है अब यहाँ पर जब कोई चीज़ अलग होती है है ना पेड़ से पत्ता गिरता है या कहीं से कुछ भी हो अलग की अगर बात करता है और से शब्द आपको दिया भी गया है है ना तो इसका मतलब है यहाँ पर जो आपका हो जाएगा वो कारक बन जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद होते हैं उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद होते हैं एक दो तीन चार चलिए सड़सठ नंबर बताइए सड़सठ का जवाब किसे किसे आ रहा है तो देखो उच्चारण के आधार पर व्यंजन की पूछा है ना व्यंजन पूछा उच्चारण के आधार पर तो याद रखिए आपके तीन होते हैं ठीक है उच्चारण के हिसाब से कौन कौन से होते हैं तो स्पर्श व्यंजन होते हैं अंताष्त व्यंजन होते हैं और ऊष व्यंजन होते हैं ठीक है ना क्या स्पर्श व्यंजन अंतास्त व्यंजन और ऊष व्यंजन ये आपके होते हैं तीन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया प्रधानमंत्री में कौन सा लिंग होगा चलिए प्रधानमंत्री में कौन सा लिंग होगा यहाँ पर ये बताइए प्रधानमंत्री में कौन सा लिंग बनेगा पुरलिंग स्त्रीलिंग या उभयलिंग या कोई शब्द बताइए तो देखो याद रखिए चाहे हम आपसे ये बोले ये बोले कि प्रधानमंत्री आ गई प्रधानमंत्री आ गए है ना इसका मतलब है हम किसी को ये नहीं कह सकते हैं यहाँ पर स्त्रीलिंग के हिसाब से हम कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर प्रधानमंत्री शब्द उभयलिंग होता है ठीक है ना ऐसा नहीं होता लेडीज लेडीज बोल दिया जाए ऐसा तो नहीं होता है इसका मतलब है ये उभयलिंगी में आता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है शब्द युग्म के प्रकार बताना है शब्द युग्म के प्रकार आपको बताना है चलिए शब्द युग्म के प्रकार कितने होते हैं चलिए कोई है विद्वान साथी जो यहाँ पर सही जवाब दे सकते हैं चलिए सही जवाब दे सकते हैं कोई है चलिए तो यहाँ पर देखो काफी विद्वान साथी के जवाब यहाँ पर आ रहे हैं दो तो बिल्कुल सही जवाब आया है यहाँ पर दो होंगे है ना मतलब शब्द युग्म दो प्रकार के होते हैं एक होता है आवृत्ति मूलक मतलब जैसे क्या होता है जैसे पुनः पुनः हो गया और दूसरा क्या होता है आदि और आर्थिक मतलब भिन्नार्थक शब्द होते हैं तो शब्द युग्म के दो प्रकार होते हैं एक होता है आवृत्ति मूलक एक दूसरा होता है भिन्नार्थक ठीक है इसका मतलब है कि आपका जवाब यहाँ पर ए लॉक हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है काला घोड़ा जीत गया वाक्य में विशेषण आपको बताना है बहुत अच्छी तरीके से हमने आपको विशेषण भी पढ़ा दिया है और देखो यहाँ पर विशेषण शब्द आप दे सकते हैं जब यहाँ पर भी संज्ञा की विशेषता बताई जाए घोड़ा है कैसा है काला है तो कैसा है काला और काला शब्द क्या होता है ये गुण होता है और गुण जो होता है वो विशेषण होता है इसका मतलब है कि सत्तर को ऑप्शन लॉक कर देते हैं ए नंबर यहाँ पर जो घोड़ा शब्द आपका है सॉरी काला घोड़ा जीत गया इसमें विशेषण पूछा गया ना तो यहाँ पर आपका जवाब आप क्या बनेगा सत्तर में ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका कौन सा ए नंबर आपका काला शब्द आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर विशेषण क्यों क्योंकि क्यों यहाँ पर जो घोड़ा है वो आपकी संज्ञा शब्द है जो कि इसकी विशेषता हो रही है ठीक है चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर देखो दिया गया है नीचे दिए गए वाक्यों में एक खंड में त्रुटि है उसे आपको छाटना है चलिए देख लेते हैं प्रयास करते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा कह रहे हैं राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी तो देखो यहाँ पर आपसे दिया है राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी चलिए प्रयास वैसे तो देखा जाए राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी है ना भीख शब्द लगाने की कोई ज़रूरत आपकी नहीं थी है ना यहाँ पर ऐसी कोई नहीं थी इसलिए डी आर नंबर आपका हो जाएगा भीख लगाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि क्षमा मांगा है तो क्षमा ऑलरेडी वैसे ही होता है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन दिया है पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है यहाँ पर बताइए कोई दिक्कत है या नहीं है चलिए यहाँ पर देखते हैं पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है तो यहाँ पर देखते हैं किसका जवाब सही बन सकता है देखो यहाँ पर दिया है पहाड़ और पहाड़ है तो भाई उसको ऊपर तो होगा पहाड़ के अंदर थोड़ा होगा है ना पहाड़ के ऊपर ही होगा पहाड़ में एक मंदिर है ऐसे कह सकते थे तो ऊपर शब्द आपको जो लगाया है ये नहीं लगाना चाहिए था ये इसमें त्रुटियाँ और याद रखिएगा छोटी छोटी त्रुटियाँ ही यहाँ पर एग्जाम हॉल में आपको कन्फ्यूज कर देती हैं और आपको अपने सिलेक्शन तक रोक लेती हैं ठीक है इस कारण से ऐसी छोटी छोटी त्रुटियों को आपको पढ़ जाना है अच्छी तरीके से ठीक है ना चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन दिया है संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तन नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं चलिए संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तन नहीं होता है इसका मतलब है कि जैसे आए थे वैसे ही आपके शब्द आपके बनेंगे इसका मतलब है यहाँ पर ऐसे शब्द होते हैं तत्सम कहते हैं जिनका परिवर्तन नहीं होता जिनका विकार नहीं होता ऐसे शब्द होते हैं तत्सम होते हैं वो भी शुद्ध संस्कृत के क्लियर हुआ ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा जो कि लगभग जवाब यहाँ पर ऑलरेडी सभी के आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बहन है बहन क्या है बहन क्या है समूहवाचक संज्ञा है भाववाचक संज्ञा है व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है चलिए फोट चौहत्तर का जवाब दीजिए चलिए अगर हम आपसे बोले भाई बहन है ना तो ये क्या होते हैं एक, एक देखा जाए तो ये पर्सनल एक व्यक्ति की बात हो नहीं रही है ना ही भाव की हो रही ना समूह की बात हो रही है आपका जवाब हो जाएगा डी जातिवाचक संज्ञा बनेगा ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ठंडा गर्म किस है है? तो और और इसका मतलब होता है और, और जब और योजक चिन्ह लगा हो तो वो आपका होता है क्या यहाँ पर द्वंद समास होता है ऐसे भी समझिए कि जब एक दूसरे के विलोम हो या जेंडर चेंज हो हमेशा वहां पर आपका द्वंद्व समास होता है ठंडा और गर्म है ना पाप पुण्य कपड़ा लत्ता घास फूस भाई बहन ये सभी क्या होते हैं द्वंद समासन है। करी पुकार फूले फूले चुन लिए काली हमारी बाल उपयुक्त पंक्ति में जो पूछा है उसमें कौन सा अलंकार आपका होगा चलिए बहुत बार हमने आपको पढ़ाया भी है है ना यहाँ पर देख सकते हैं माली आवत देख के कलियन करी पुकार फूले फूले चुन लिए काली हमारी बात ये बात हो रही है आत्मा और परमात्मा की है ना जब व्यक्ति अंतिम समय आता है ठीक है यहाँ पर है तो यहाँ पर कह सकते हैं निजीव और मतलब जो निर्जीव है और सजीव से हो रहा है ठीक है तो यहाँ पर एक आपका होता है क्या अनियुक्त अलंकार होती है क्या अनियुक्त अलंकार होती है क्योंकि डायरेक्ट नहीं कह रहा है वो दूसरे से कह रहा है ठीक है इस कारण से यहाँ पर अलंकार कौन बनेगा सी नंबर अनयुक्त अलंकार हो जाएगा ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है कौन सा शब्द युग्म सही है चलिए मेघ दिया गया है इसका मतलब है प्रसाद भोग प्रसाद चार दीवारी अच्छा मतलब यहाँ पर यह दिया गया है कह रहा है प्रसाद भोग फिर प्रसाद और चार दीवार ऐसा तो आपका नहीं बनेगा यहाँ पर कह सकते हैं शब्द युग्म जो बनेगा वो कौन सा बी वाला मेघ बादल होता है मेध मेध मतलब यज्ञ होता है ठीक है इसका मतलब है इसका जो जवाब है वो ऑप्शन आप आपका बी बनेगा तो ये भी पॉइंट याद रखना है ठीक है यहाँ पर राय शब्द दिया है ये आपका गलत हो जाएगा ठीक है क्लियर हुआ चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया है द्विवेदी युगीन रचना जय भारत की रचनाकार कौन है चलिए कई प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिल रहा होगा और अच्छा क्वेश्चन है बेहतरीन क्वेश्चन आपका है चलिए द्विवेदी युगीन रचना आपकी है अगर ये क्वेश्चन पूछे कि जय भारत जो रचना है वो कब किस युग की है तो द्विवेदी युग की है ठीक है ना और इसके जो रचनाकार है वो आपके कौन बनेंगे तो इनमें से आप देख सकते हैं द्विवेदी युगीन जो रचनाकार हैं जय भारत के वो आपके कौन ऑप्शन आ गया है मैथिली स्वगुप्त ऑप्शन ए बनेगा मैथिल स्वगुप्त आपका राइट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि जब रस के सभी संगठक तत्व अपने विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य हो जाते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं जब रस के सभी तो, संगठ तत्व संगठक तत्व तो अपने विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति को जो बोलते हैं वो आपको क्या बोलते हैं तो इन्हें बोलते हैं साधारणीकरण क्या इसे बोलते हैं साधारणीकरण बोलते हैं इसका राइट आंसर आपको बन जाएगा और आपका बन जाएगा डी नंबर ठीक है नोट करिएगा अच्छा क्वेश्चन है नया क्वेश्चन आपका है क्या है कांटों से भरा हुआ रास्ता के लिए एक शब्द आपको बताना है कांटों से भरा हुआ रास्ता और जब भी कांटों से भरा हुआ रास्ता होता है तो उसे हम लोग क्या प्रयोग करते हैं तो इसे बोलते हैं कंटका किर्ण क्या बोलते हैं कंटका किर्ण बोलते हैं इसका राइट आंसर आपका जो बनेगा वो अब भी बनेगा कंटका बन जाएगा ठीक है चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर दिए हैं नीचे कुछ ग्रंथों के नाम दिए गए हैं प्रत्येक ग्रंथ के पास आपके देख सकते हैं रचनाकारों के नाम दिए हैं जो भी सही हो उसको आपको यहाँ पर चयन करना है चलिए यहाँ पर प्रयास करिए कि यहाँ पर हिंदी साहित्य के जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें आप पूरे के पूरे यहाँ पर सही सॉल्व करें ठीक है चलिए यहाँ पर जो दिया गया है रामायण और रामायण की जो रचनाकार है आपके कौन है चलिए फटाफट लॉक करिए जो लोग बाद में जुड़े हैं भाई वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अपना महत्वपूर्ण योगदान जरूर दें ठीक है ना क्योंकि ये जो सब कुछ है अपनी फैमिली है ऐसे ही चलता है ठीक है ना एक दूसरे के सहयोग से ही सब लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है हमारे सहयोग से आप लोग और आपके सहयोग से हम लोग ठीक है चलिए बेहतरीन बहुत लाजवाब बेहतरीन चलिए जवाब दीजिए रामायण के आपका दिया है रामायण भाई जो लिखा है वो किसने लिखा है रामायण के जो रचनाकार हैं वो आपके कौन हैं चलिए वन का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर जवाब आ गया वाल्मीकि बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर वाल्मीकि आपका जवाब बन जाएगा रामायण नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पृथ्वी राज रासो की रचयिता पृथ्वी राज रासो पृथ्वी राज रासो के दरबार में रहते थे चंद बरदाई कौन तो चंद बरदाई रहते थे यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर आपका बन जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आहलाखंड और अहलाखंड के जो रचनाकार हैं या आहलाखंड जो लिखा है वो किसने लिखा है चलिए आहला खंड के बताना है जगनिक चंद्रप्रदाय केशव या प्रताप नारायण मिश्र तो देखिए प्रताप नारायण मिश्र तो हो नहीं सकता है तो आहला खंड के आपके हो जाएंगे कौन तो आपके जगनिक बनेगा इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है गीत गोविंद और गीत गोविंद के जो आपके रचनाकार हैं वो आपके कौन हैं चलिए गीत गोविंद के रचनाकार आपके कौन बनेंगे तो यहाँ पर आपका फोर का ऑप्शन बनेगा ऑप्शन आपका फोर का बनेगा यहाँ पर बी बी नंबर सभी के आ रहे हैं चलिए सभी के भी आ रहे हैं तो हम भी लॉक कर देते हैं आपके ऑप्शन बी को यहाँ पर जयदेव हो जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कीर्तिलता कीर्तिलता जो आपका दिया है कीर्तिलता जो आपका दिया गया है तो इसके जो रचनाकार है आपके कौन हैं विद्यापति जयदेव सूरदास या बिहारी चलिए जल्दी जल्दी लॉक करिए फटाफट लॉक करिए चलिए जितना फास्ट करेंगे उतना फास्ट हम भी रहेंगे और आनंद भी आएगा ठीक है कीर्ति लता यहाँ पर फाइव क्वेश्चन हो जाएगा विद्यापति कौन है भाई कीर्ति लता रचना के रचनाकार हैं आपके कौन विद्यापति नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बीजक के रचनाकार कौन है चलिए बीजक के रचनाकार यहाँ पर आपसे बताया गया है बीजक के रचनाकार हैं है ना चलिए यहाँ पर सिक्स नंबर में ऑप्शन आ गया है डी नंबर कह रहे हैं आपकी कबीर दास है तो बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर आपके बीजक जो कि साखी सबद रमैनी है ना ये इसी के अंतर्गत आपके आती हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कबीर दास का ये संकलन है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मृगावती मृगावती के जो आपके रचनाकार हैं वो आपके कौन हैं मृगावती चलिए कुतुबन है मंझन है मलिक मोहम्मद जैसी वृंदावन लाल वर्मा चलिए मृगावती में ऑप्शन आ रहा है ए नंबर कुतबन है तो याद रखिए बिल्कुल सही है यहाँ पर सेवन का जिसका जवाब ए आ रहा है बिल्कुल राइट जवाब आ रहा है यहाँ पर कुतबन आपके हो जाएंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पद्मावत के जो रचनाकार हैं आपके कौन हैं पद्मावत के रचनाकार आपसे पूछा गया पद्मावत के रचनाकार कौन हैं चलिए मलिक मोहम्मद जैसी लॉक कर दिया जाए चलिए सभी के जवाब अगर आ रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर इसी को ही लॉक कर देते हैं ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है चित्रावली चित्रावली के जो रचनाकार हैं कौन हैं चित्रावली के रचनाकार इनमें से कौन बन जाएंगे चलिए चित्रावली के रचनाकार यहाँ पर चलिए ऑप्शन आ गया है यहाँ पर बी नंबर आपका सी नंबर आपका कुदबन बनेगा याद रखिए नाइन को ऑप्शन बनेगा सॉरी माफ करिए बी बनेगा इसका ठीक है चित्रावली के रचनाकार हैं आपके उस्मान है कौन उस्मान बनेगा ऑप्शन बी हो जाएगा उस्मान बनेगा चित्रावली के रचनाकार हैं उस्मान ठीक है अगला है भक्तमाल के रचनाकार कौन है भक्तमाल के रचनाकार चलिए फोकस करिए अगले क्वेश्चन पर ठीक है चलिए मानवीय गलतियाँ हैं चलिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर जवाब दीजिए भक्तमाल और भक्तमाल के कौन होते हैं चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं बी और सी बी और सी याद रखिए इसका ऑप्शन आपका बनेगा भक्तमाल के हैं नाभादास कौन है नाभादास इसका राइट आंसर आपका बनेगा सी दस का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा अगला है रामचरितमानस के रचयिता पूछा गया है रामचरितमानस के जो रचयिता हैं वो आपके कौन हैं चलिए रामचरित्र मानस के आपके तुलसीदास हैं जो कि सभी का जवाब आ चुका है ऑलरेडी आ चुका है बहुत फास्ट आप लोग हो है ना आप लोग तो बिल्कुल सुपर फास्ट हो गए हो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए विनय पत्रिका जो आपकी है वो किसकी है विनय पत्रिका किसकी है विनय पत्रिका बताना है विनय पत्रिका चलिए विनय पत्रिका किसकी है तुलसीदास सूरदास कृष्णदास या महादेव वर्मा चलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका ये नंबर तुलसीदास कौन है तुलसीदास ये नंबर आपका बन जाएगा अगला है सत्यवती कथा जो लिखा है वो किसने लिखा है किसकी रचना है सत्यवती जो कथा है ये जो लिखा है किसने लिखा है चलिए यहाँ पर आपका जवाब बनेगा ईश्वरदास कौन ईश्वरदास ऑप्शन आपका भी हो जाएगा ईश्वरदास बन जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हनुमान बाहुक है ना ये पंक्ति जो दी गई है ये बहुत ही अच्छी है आपका हनुमान बाहुक जो आपकी है ये काफ़ी बार पूछा गया है और अच्छा क्वेश्चन आपका है याद रखिएगा चौदह नंबर में यह आपकी तुलसीदास की है याद रखिए हनुमान बाहू जो रचना है ये आपकी तुलसीदास की है ऑप्शन आपका बी बनेगा तुलसीदास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है साहित्य लहरी चलिए साहित्य लहरी के अगर हम बात करते हैं तो साहित्य लहरी आपके सूरदास है ना चलिए सूर सागर साहित्य लहरी है ना ये सभी किसके हैं आपके सूरदास के हैं तो ऑप्शन आप यहाँ पर आपका ए हो जाएगा सूरदास बन जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सूर सागर के रचनाकार कौन है सूर सागर के रचनाकार कौन बनेंगे तुलसीदास कृष्णदास सूरदास या रसखान चलिए सोलह की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जवाब क्या बनेगा सूरसागर के रचनाकार आपके सूरदास बनेगा ठीक है अगला क्वेश्चन दिया है राष्ट्रंचाध्याय के रचनाकार रास पंचाध्याय के रचनाकार क्या हो जाएंगे चलिए रास पंचाध्याय के रचनाकार अगर हम आपसे बात करें तो जवाब क्या बनेगा यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन आ गया है सी नंबर तो देखो राष्ट्रपंचाध्याय के हैं आपके नंददास कौन है हैं राष्ट्रपंचाध्याय के जो रचनाकार हैं वो आपके नंददास बनेगा ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा अगला है के लिमाल के जो रचनाकार हैं कौन है चलिए कठिन क्वेश्चन आपको लग रहा होगा है ना शायद नया क्वेश्चन आपके लिए होगा कोई बात नहीं है डेली रिवीजन करेंगे तो हर चीज़ आपको इजी लगेगी संभवता आप यही कहोगे सर लेवल और थोड़ा बढ़ाइए है, है ना लेकिन यही क्वेश्चन जब किसी को नहीं आते हैं मतलब बेहद वीक होते हैं तो यही क्वेश्चन आपको बहुत कठिन लगेंगे याद रखिएगा जिन लोगों को टेस्ट सरल लग रहा है ये समझिए कि आपकी तैयारी बेहतरीन है ठीक है चलिए केलीमाल मतलब क्या होता है यहाँ पर केली के जो आपके रचनाकार हैं वो आपके कौन हैं तो अठारह का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर स्वामी हरिदास ठीक है स्वामी हरिदास ऑप्शन बनेगा डी नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर दिया गया है क्या कह रहा है प्रेम वाटिका प्रेम वाटिका जो है वो किसकी है उन्नीस नंबर में जवाब दीजिए प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है प्रेम वाटिका के रचनाकार यहाँ पर बताना है उन्नीस नंबर में चलिए उन्नीस का जवाब आ रहा है प्रेम वाटिका यहाँ पर रस खान बिल्कुल सही है प्रेम है तो रस है यहाँ पर आपका जवाब हो जाए कौन सा ए नंबर राइट हो जाएगा अगला है सुदामा चरित्र सुदामा चरित्र के रचनाकार कौन बनेंगे बीस नंबर में चलिए सुदामा चरित्र के आपके कौन है तो आपके नरोत्तम दास कौन नरोत्तम दास ऑप्शन आपका बनेगा बी सुदामा चरित्र के हैं नरोत्तम दास याद रखिएगा और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है रामचंद्रिका किसकी है रामचंद्रिका जो रचना है वो किसकी रचना है फटाफट जवाब दीजिए जो लोग बाद में जुड़े हैं भाई एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें जितने लोग जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें बाद में जुड़े हैं या ऑफलाइन देख रहे हैं तो अपना सहयोग जरूर दें सपोर्ट जरूर करें ठीक है चलिए सपोर्ट की जरूरत तो होती ही है सभी को ठीक है ना चलिए यहाँ पर आप लोगों की जरूरत है आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है चलिए बेहतरीन यहाँ पर जवाब कुछ लोगों के आ चुके हैं लेकिन इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ठीक है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं करना है जब नेक्स्ट पार्ट आपका आएगा है ना ये अगली जो आपका पार्ट होगा प्रैक्टिस सेट उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपको आता है तो कमेंट करें नहीं आता है तो नेक्स्ट पार्ट में आप लोग इंतज़ार कर सकते हैं ठीक है और जिस टॉपिक में आपको दिक्कत होती है तो आप प्ले के माध्यम से उनको देखें क्योंकि हमने थ्योरी की वीडियो भी बना दिए हैं कुछ टॉपिक आपके बाकी रह गए थे तो उनको भी यहाँ पर सीरीज करके कम्प्लीट कर दिया जाएगा ठीक है चलिए सभी को जय हिंद सभी को वंदे मातरम लाइक शेयर जरूर करें ठीक है सभी को लाइक शेयर जरूर करें जितने लोग जुड़े हैं सब लोग लाइक शेयर कर दें ठीक है यह रखें आज तक आज की क्लास यहीं रखते हैं ठीक है चलिए सभी को जय हिंद सभी को बंदे मातरम